नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की 1.3 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करने जा रहे हैं। इसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा आपका पहला क्वेश्चन है साइन 18 अपॉन कॉस 72। अब आपको पता है कि साइन 18 को या तो हम साइन 18 को कॉस 72 बना ले या तो फिर कॉस 72 को साइन 18 बना ले, कोई भी एक हमें सेम बनाना है। जब तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं आएगा तब तक वैल्यू हम 1 नहीं ला सकते या उसके सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा अगर करें तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस 72 करोगे तो 18 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें फार्मूला अप्लाई करना है, तो साइन 90 माइनस 72 यानी साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है, कॉस 72 यानी कॉस थीटा होता है। और कॉस 72 आपका ऑलरेडी गिवन है डिनोमिनेटर में, तो कॉस 72 कॉस 72 से डिवाइड हो जाएगा और सॉल्व होकर आपका क्या आ जाएगा, 1। अगर बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो सेकेंड क्वेश्चन tan 26 है cos 64 है। तो इसमें भी आपको इसको तो हमने होमवर्क दे रखा है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। इसमें tan 26 को आप लिख सकते हो cot, इसको लिख सकते हो tan 26 क्या लिख सकते हो tan 90 माइनस 64 लिख सकते हो। फिर tan 90 माइनस 64 लिखोगे तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो cot 64 cot 64 से कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या जाएगा, 1। लेकिन इसको आप लोग को होमवर्क करना है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, इसके थर्ड पार्ट की, तो cos 48 माइनस sin 42। अब आपको पता है कि cos 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 48 को हम लोग बेटा लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 42। तो यहाँ पे cos 90 माइनस 42 माइनस sin 42। अब आपको फिर से पता है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। अब यहाँ पे भी आपको cos sin में चेंज हो गया, क्योंकि हमने बताया था कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में आपके जो रेशियोज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। sin cos में चेंज हो जाता है, cos sin में, sec cosec में, tan cot में। तो यहाँ पे ये बात को आपको ध्यान रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं cos 90 माइनस 42 हो जाएगा sin 42। यहाँ पे ऑलरेडी आपका sin 42 है, अब दोनों sin 42 sin 42 से माइनस करोगे, 1 माइनस 1 करते हो तो क्या आता है, 0 आता है। वैसे भी sin 42 में से sin 42 माइनस करिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। अगर बात करें फोर्थ पार्ट की, तो cosec 31 माइनस sec 59। तो cosec 31 को लिख सकते हैं 90 माइनस 59 यानी cosec 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे sec 49 आपका पहले से है, sec 59 तो माइनस sec 59। अब आपको पता है कि cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा, तो sec 59 आ गया। अब आपको पता है कि इस साइड sec 59 ऑलरेडी दे रखा है, तो sec 59 में से sec 59 माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 0 जैसे होता है, वैसे सेम वैल्यू में से अगर सेम वैल्यू माइनस करते हो तो आंसर 0 आता है। अब क्वेश्चन 2 की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 2 में आपके दो क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको चेंज करना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। अगर इसको कर लेते हैं तो आप लोगों का जलवा रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इक्वल टू 1 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनका सम 90 आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 23 और 67 ऐड करने पे क्या आता है, 90। तो tan 23 और tan 67 को एक साथ करेंगे और tan 48 tan 42 को एक साथ करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले सिक्वेंस बनाने छोड़ करके पहले हम चेंज कर लेते आ जाए, क्योंकि अगर कोई भी अगर सेम सेम नहीं बनाएंगे तो tan और एक tan सेम आना चाहिए, एक cot cot सेम आना चाहिए। तो यार तो अब सेम बनाएंगे तभी तो आपको सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि tan 48 है, इसको लिख सकते हैं क्या, आपको पता है 48 और 42 बना रहा था 90, तो 48 को हमें 42 में चेंज करना पड़ेगा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो tan 48 को लिख सकते हैं हम लोग tan 90 माइनस 42। अब आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो cot 42 आ गया। अब cot 42 यहाँ पे है, tan 42 यहाँ पे है। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे जो tan 23 था उसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 23 को या तो 67 में कन्वर्ट कर लें, या तो मतलब एक tan बनाए एक cot बनाए तभी रेसिप्रोकल होगा, तभी 1 बनेगा। तभी तो हम यहाँ पे tan 42 को cot 42 बनाए तो यहाँ पे tan 42 मिल गया, तो ये दोनों रेसिप्रोकल है तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही cot 67 है, tan 67 ऑलरेडी था और tan 23 को हमें क्या बनाना है, cos 67। तो tan 23 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 90 माइनस क्या हो जाएगा, cos 67। अब यहाँ पे देखिए cot को tan को एक साथ करेंगे तो tan 42 यही रहेगा और cot 42 आपका हो जाएगा 1 अपॉन tan 42। तो
10 42 से कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे cos 67 है बेटा, तो cos 67 और tan 67 को हम लिख सकते हैं 1/67, cos 67 तो cos 67 अपॉन cos 67 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 × 1 17 मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी योर आंसर 1। ऐसे ही ये क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, इसमें है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, तो इधर का या तो इधर का cos sin sin बना लो या तो इधर का cos cos बना लो, तो हमने sin sin का छोड़ दिया, इधर cos cos चेंज करना है sin में, तो cos 38 को लिख सकते हैं क्या cos 90 माइनस 52, और cos 52 क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38, अभी ऊपर किए थे। अब आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो sin 52, और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो sin 38। अब सेम सेम हो गया sin 52 sin 38 sin 38 sin 52, अब दोनों देखिए 38 यहां भी है 38 यहां भी, 52 यहां भी 52, सेम वैल्यू में से अगर सेम वैल्यू जाएगी तो क्या हो जाएगा 0, तो दिस विल बी योर आंसर। तो यहां से आपका ये फिनिश हो गया, ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट।